हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अनेकार्थक शब्द डिस्कस करेंगे। ऐसे शब्द जिनके एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। पहला है अंक। अंक गिनती के अंक को भी कहते हैं, अध्याय को कहते हैं, भाग्य, चिन्ह, देह, गोल और स्थान, ये इसके अनेकार्थक शब्द हैं अंक के। रिपीट कर देते हैं, गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, चिन्ह, देह, गोल और स्थान, इनको अंक बोलते हैं। सेकंड है अंबर। अंबर आकाश को भी कहते हैं और वस्त्र को भी कहते हैं। अच्छ आँख को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, सर्प को भी अच्छ कहते हैं, पहिया को भी अच्छ कहते हैं क्योंकि पहिया अपने अक्ष या फिर धुरी पर घूमता है, और आत्मा को भी अच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो आँख, सूर्य, सर्प, पहिया और आत्मा, ये अच्छ के अनेकार्थक शब्द हैं। अक्षर। अक्षर सबसे पहले वर्ण, वर्ण को अक्षर कहते हैं, ब्रह्म को अक्षर कहते हैं, अविनाशी, सत्य, धर्म और गगन, गगन को भी अक्षर बोला जाता है, गगन को भी अक्षर बोला जाता है। अगला है अज। अज बकरा को बोला जाता है, ब्रह्मा को बोला जाता है, जीव और दशरथ के पिता का नाम भी क्या था, अज था। तो बकरा, बकरा, ब्रह्मा, जीत और दशरथ के, जीव और दशरथ के पिता का नाम अज होता है। अतिथि मेहमान को कहते हैं, साधु को भी अतिथि कहा जाता है, यात्री को अतिथि कहते हैं, और कुश का बेटा भी अतिथि था। ठीक है, तो ये चारों अनेकार्थक शब्द हैं अतिथि के, मेहमान, साधु, यात्री और कुश का बेटा। अब्ज। अब्ज का कपूर, कमल, धन्वंतरी, शंख और चंद्रमा, ये अब्ज के अनेकार्थक शब्द हैं, कपूर, कमल, धन्वंतरी, पंख, शंख और चंद्रमा। अरुण। अरुण के जो अनेकार्थक शब्द हैं वो हैं सूर्य का सारथी, सूर्य या फिर लाल, ये अरुण के अनेकार्थक शब्द हैं, लाल, सूर्य या फिर सूर्य का साथी। अर्क। अर्क अग्नि को, चमक, सूर्य, चिंगारी, इंद्र और विष्णु, ये अर्क के अनेकार्थक शब्द हैं, अग्नि, चमक, सूर्य, चिंगारी, इंद्र और विष्णु। अही। अही सांप को भी कहते हैं, राहु और कष्ट को अही कहा जाता है, और नाभि को भी अही कहते हैं, नाभि को भी अही कहा जाता है। आत्मा। आत्मा का अर्थ है बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह और वायु, वायु को भी आत्मा कहा जाता है। आत्मा का अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह और वायु। आदित्य, आप सभी को पता होगा सूर्य को कहते हैं, देव को भी आदित्य कहते हैं, मित्र को भी आदित्य कहा जाता है, विष्णु और वरुण और विष्णु का वामन अवतार, इनको आदित्य कहा जाता है। इंदु। इंदु के अनेकार्थक अर्थ हैं चंद्रमा और कपूर। इला। इला भूमि को भी कहते हैं, इला गाय को भी कहते हैं और सरस्वती को भी कहते हैं। कंज। कमल, ब्रह्मा, अमृत और केश, ये कंज के अनेकार्थक शब्द हैं, कमल, ब्रह्मा, अमृत और केश। कनक। कनक सोना को कहते हैं, या तो आप सभी को पता ही होगा, कनक गेहूं को भी बोला जाता है, कनक धतूरा को भी कहते हैं। तो सोना, धतूरा, गेहूं, पलास और वृक्ष, ये कनक के अनेकार्थक शब्द हैं। कर। कर हाथ को बोला जाता है, हाथ का पर्यायवाची है कर, तो हाथ, किरण, सून और टैक्स, ये कर के अनेकार्थक शब्द हैं। कर्ण। कर्ण कान को भी बोलते हैं, कुंती पुत्र को भी कर्ण बोलते हैं, और पतवार, पतवार को भी कर्ण बोला जाता है। काल। काल के अनेकार्थक शब्द हैं समय, अवसर, शिव, मुहूर्त और युग। शिव को महाकाल बोला जाता है, युग को काल बोला जाता है। कृष्ण। काला, कौवा, अंधकार, वासुदेव पुत्र, ये कृष्ण के अनेकार्थक शब्द हैं। केश, बाल, विष्णु, विश्व और किरण, केसरी के हैं, गेरुआ, घोड़ा, बानर, सिंह, बानर, प्रसिद्ध व्यक्ति। देखो बानर, केसरी किसके पिता थे, हनुमान जी के पिता थे केसरी। खग। पक्षी, वायु, बाण, देवता, सूर्य और चंद्रमा। खरदूषण। खरदूषण नाम सुने होंगे आपने, खर एक राक्षस था, खर दुष्ट को बोला जाता है, गधा, कौवा और बगला, इनको खर बोला जाता है। गायत्री। गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी और सावित्री देवी, इनको गायत्री बोला जाता है। जलज। जलज के अनेकार्थक शब्द हैं कमल, मोती, मछली, चंद्रमा और शंख। ज्योत्सना। ज्योतिष्णा के हैं चांदनी, रात और सौंफ। तीर के अनेकार्थक शब्द हैं बाण, किनारा, सरोवर और निकट। तीर को बोला जाता है, सरोवर भी बोला जाता है, और निकट भी तीर का ही अर्थ है।
तो बाण, किनारा, सरोवर और निकट। द्विज, द्विज के को ब्राह्मण बोला जाता है। पक्षी, दांत और चंद्रमा, ये भी द्विज के ही अर्थ हैं, पक्षी, दांत, चंद्रमा और ब्राह्मण। धनंजय, धनंजय अर्जुन को बोला जाता था, तो धनंजय, आग, वायु, एक वृक्ष और विष्णु, इनको धनंजय बोला जाता है। नग, नग बोला जाता है पहाड़ को। नगीना, पदार्थ, वृक्ष और जड़। नाग, नाग को सांप, हाथी, पर्वत और बादल, ये नाग के अर्थ हैं, सांप, हाथी, पर्वत और बादल। नीलकंठ, नीलकंठ शंकर को बोला जाता है। इसके अलावा मोर को भी नीलकंठ बोला जाता है, नीले कंठ वाला पक्षी विशेष। पंख, पंख हम बोलते हैं कीचड़ को। कीचड़ को क्या बोलते हैं? पंख। तो कीचड़, दलदल और पाप, ये पंख का अर्थ होते हैं। पतंग, पतंग बोलते हैं सूर्य को, सूर्य, पक्षी और टिड्डी। पत्र, पत्ता, चिट्ठी और पंख। पदम, पदम कमल को बोला जाता है, कमल, श्री राम। संख्या विशेष और सर्प विशेष, ये पदम के अर्थ हैं। पुष्कर, पुष्कर कमल को बोला जाता है। इसके अलावा पुष्कर तीर्थ भी है। तालाब, हाथी की सूंड के आगे के भाग को भी पुष्कर बोला जाता है। युद्ध, सूर्य, सर्प, आकाश और बाण, ये सब पुष्कर के अर्थ हैं। मतंग, मतंग एक ऋषि भी थे और मतंग हाथी को भी बोला जाता है। मतंग एक ऋषि भी थे और मतंग हाथी को भी बोला जाता है। महावीर, आप सभी को पता ही होगा, महावीर हनुमान को कहते हैं। शक्तिशाली और जैन तीर्थंकर भी थे महादेव। माधव, माधव कृष्ण को बोला जाता है। तो कृष्ण, विष्णु, बसंत ऋतु और महुआ, ये माधव के अर्थ हैं। रश्मि, आप सभी को पता होगा, किरण को बोलते हैं रश्मि। तो रश्मि, किरण को, घोड़े की लगाम को भी रश्मि बोला जाता है और डोरी को भी रश्मि बोला जाता है। सारंग, सारंग सर्प को कहते हैं। बादल, पानी, हरिण, सिंह, कामदेव, भौंरा, हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र, बाल, शिव, धनुष, आभूषण, चंदन, पृथ्वी, प्रकाश, चंद्रमा, आकाश, समुद्र, इन सभी को सारंग कहा जाता है। हंस, हंस के अनेकार्थक शब्द हैं मराल, सूर्य, घोड़ा, योगी, सफेद और जीवात्मा। हरि, हरि के, हरि विष्णु को कहते हैं। इसके अलावा बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा और चंद्रमा को हरि कहा जाता है। हलधर, हलधर बलराम को कहते हैं। बलराम, किसान और बैल, इनको हलधर कहा जाता है। हेम कहा जाता है नाग को, केसर को, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत और पीले रंग को हेम कहा जाता है। शेष, शेष का मतलब है बचा हुआ, अंत, सर्प और सीमा। वर्ण का मतलब है जाति, समूह, रंग, ध्वनि, अक्षर, प्रशंसा, पोशाक और सोना। मित्र कहते हैं दोस्त को। इसके अलावा सूर्य को भी मित्र बोला जाता है। प्रिय और सहयोगी को भी मित्र बोला जाता है। तो ये 50 हमने डिस्कस किए थे अनेकार्थक शब्द, इंपॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से।